गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम अपने चैप्टर नंबर 10 पर थे जो गवर्नमेंट बजट है एंड इकोनॉमी है जिसका नाम। अभी तक बेटे हमने मेनली टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़े हैं। नंबर 1 मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओके क्लास, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट जो क्या रिवील करता है, विच शोज एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, जो फिजिकल ईयर आने वाला है। ठीक है, विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन बेटे अगर मैं डेप्थ में जाऊँ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो मैंने 7 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट अपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़े थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बेटे आई एम अगेन टेलिंग यू, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, और अकेला चैप्टर इज वर्दी ऑफ 6 मार्क्स। 6 मार्क्स अकेले चैप्टर के हैं बोर्ड की मार्किंग के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये चैप्टर आपको 1 to 1 word बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है तभी की तभी। ओके क्लास, अब मैं बात कर रही थी कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो मैंने अभी लास्ट अपने लेक्चर में समझे। सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़े देश की, हम बार बार बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ। इट मीन्स गवर्नमेंट जो भी बजट अनाउंस करती है और जो मेन फोकस करती है उसकी प्लानिंग सबसे ज़्यादा होती है जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नंबर 2 एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, नंबर 3 प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारे यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम क्या है जो कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव पूरा करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हाउ कम, हमारे सोसाइटी में 2 सेक्शंस में बटी हुई है, रिच एंड पुअर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी चलती है, रेट लगती है, अमीरों पर टैक्स लगता है, अमीरों से टैक्स वसूल करा जाता है और गरीबों की सोशल वेलफेयर करती है गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड ग्रांट्स टू देम। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा मेन एग्जाम्पल क्या है बेटे, PDS। PDS stands for Public Distribution System, या आम भाषा में बात करूँ BPL families को जो येलो राशन कार्ड पर नॉमिनल रेट्स पर जो भी राशन अवेलेबल करवाती है गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं, PDS। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट का कौन सा मेन पर्पस है, सोशल वेलफेयर का। ठीक है, ताकि रिच एंड पुअर के गैप को हम कम कर सकें, इसको बोलता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो किस मेन किस टैक्स रेट से हम लोग अचीव करते हैं इंडिया में, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट से। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट बढ़ती है, इनकम कम है टैक्स रेट कम है, और एक लिमिट तक अगर इनकम है तो टैक्स है ही नहीं, मतलब 0 रुपीज़ की टैक्स रिटर्न फाइल हम लगाते हैं। ठीक है क्लास, नेक्स्ट हमने मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ा था बेटे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसे करके हमने इन ऑल 7 मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है क्लास, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ये वाले ऑब्जेक्टिव्स भी स्टडी करे थे। ये बहुत जनरल हैं लेकिन देखा जाए अगर मैं इनको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे टेक्निकल मीनिंग आना चाहिए, तो इसके लिए रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ, ये इन ऑल अपने आप में भी एक बड़ा टॉपिक है जो एक दिन के लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, सो वी आर डिवाइडिंग दिस टॉपिक इन 2 पार्ट्स। ठीक है, जिसको मैं अभी बताती हूँ कैसे कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं। आज का टॉपिक है बेटे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, या कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं गवर्नमेंट बजट में, बेटे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। इट मींस 2 मेन पिलर हैं एज इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वन साइड रिसीट्स, वन साइड एक्सपेंडिचर।
ठीक है। सो जो रिसीट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं बजट रिसीट्स, ओके। एंड एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर्स। अब हमारे यहाँ पर जितनी भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो दो मेन नेचर की होती हैं, एक रूटीन वर्क मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को लेकर, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म असेट्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है बेटे। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका जो लेन देन होता है वो दो तरीके से होता है, या तो एक रूटीन बेसिस पर है शॉर्ट टर्म आइटम्स को लेकर, या आपका असेट्स एंड लाइबिलिटीज को लेकर है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज को मैं मेनली क्या लेती हूँ, लॉन्ग टर्म असेट्स या लॉन्ग टर्म आइटम्स के कंटेक्स्ट में। हम बोलते हैं ना वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलते हैं ना बेटे। तो जो लॉन्ग टर्म होती है वो नेचर होता है कैपिटल। जो भी ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट बजट में लॉन्ग टर्म को लेकर हो रही है, लॉन्ग टर्म आइटम्स को लेकर हो रही है, वो कौन से नेचर की होती है, कैपिटल नेचर, ठीक है, चाहे वो रिसीट्स हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो। लेकिन जो ट्रांजेक्शन्स या जो आइटम्स रूटीन बेसिस पर है, रूटीन बेसिस का मतलब जो लॉन्ग टर्म आइटम्स से रिलेटेड नहीं है, लॉन्ग टर्म आइटम्स का मतलब जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को लेकर रिसीट्स भी होती है और खर्चे भी होते हैं, तो जो रूटीन बेसिस के खर्चे हैं जो असेट्स एंड लाइबिलिटी साइड को इम्पैक्ट नहीं करती, वो कौन से नेचर आइटम्स होती हैं, रेवेन्यू नेचर, चाहे वो मेरी रिसीट्स हो या मेरे एक्सपेंडिचर हो, ठीक है क्लास। अब मैं बात करती हूँ बेटे मेनली कि गवर्नमेंट बजट, अब मैं ये टॉपिक बहुत इजीली स्टार्ट कर सकती हूँ जब आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू का फर्क समझ आ गया। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं बेटे, रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है रिकरिंग, बार बार होती है, मतलब डे टू डे छोटे छोटे खर्चे, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड जो होती है, शॉर्ट टर्म आइटम से रिलेटेड जो होती है, और जो मेनली शॉर्ट टर्म आइटम से रिलेटेड होती है बेटे वो हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट नहीं करती, ठीक है। ऐसे ही सरकार के भी खर्चे होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज को लेकर, ठीक है, जिसे ना तो सरकार की असेट्स ना ही लाइबिलिटीज साइड पर इम्पैक्ट होता है। ऐसे रिसीट्स भी होती हैं जो रिकरिंग नेचर की होती है, डे टू डे एक्टिविटीज में काम आती हैं, जिसे सरकार की असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है क्लास। जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट नहीं करती, चाहे वो रिसीट्स हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, वो किस नेचर के होते हैं बेटे, रेवेन्यू नेचर के, रिकरिंग नेचर के, डे टू डे बेसिस पे या शॉर्ट टर्म आइटम से रिलेटेड, जो इस तरीके की होती है, चाहे वो रिसीट्स हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर किस नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की, ठीक है। हालांकि रेवेन्यू का मतलब आय भी होता है, इनकम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ रिसीट्स एंड नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन जो मेरी ट्रांजेक्शन्स रिसीट्स है चाहे वो मेरा एक्सपेंडिचर है, अगर वो असेट्स एंड लाइबिलिटी साइड को इम्पैक्ट कर रहा है, अगर वो इस नेचर का है तो वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो किस नेचर का है बेटे, कैपिटल नेचर का। कैपिटल रिसीट्स भी हो सकती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, और मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं कौन, गवर्नमेंट, क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है बेटे, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ओके क्लास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या क्या होता है, मेनली टू साइड्स होती हैं, नंबर वन बजट रिसीट्स, नंबर टू बजट एक्सपेंडिचर, इन एंड आउट, ठीक है, जो इन है वो रिसीट्स हैं, जो आउट है दैट इज एक्सपेंडिचर। अभी मैंने दो नेचर के रिसीट्स एंड दो ही नेचर के एक्सपेंडिचर बताए। जो रिसीट्स हैं वो डेली बेसिस पर भी होती हैं और एसेट एंड लाइबिलिटी साइड वाले को इम्पैक्ट करने वाली भी होती हैं, ठीक है। जैसे टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ, आपके पेरेंट्स घर का बिजली का खर्चा या उनकी रेंटल इनकम, ये रिसीट्स हैं, एक रिसीट है और एक खर्चा है, क्या ये कैपिटल नेचर है बेटे, नहीं ना,
ये डे टू डे नेचर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, पापा ने मेरी एक घर खरीदा, तो ये खर्चा हुआ आपका, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, इससे आपकी असेट्स बढ़ रही हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके क्लास, तो ऐसे ही रिसीट्स चाहो या एक्सपेंडिचर हो, दो नेचर का होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। ओके, सो कंपोनेंट्स में पहला हम पढ़ेंगे बजट रिसीट्स। बजट रिसीट्स को मैंने नेचर के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है। नंबर वन रेवेन्यू रिसीट्स, नंबर टू कैपिटल रिसीट्स। जो डे टू डे रिसीट्स होती है, जो डे टू डे इनकम होती है गवर्नमेंट की, डेट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म आइटम से रिलेटेड रिसीट्स होती हैं, मतलब जिन रिसीट से गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटीज साइड पर इम्पैक्ट होगा, वो कौन सी रिसीट्स होंगी? कैपिटल रिसीट्स। और जिनसे नहीं होगा, वो कौन सी रिसीट्स होंगी? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, अब ऐसे ही आपका दूसरा साइड क्या होती है? बजट एक्सपेंडिचर। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, नंबर वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो खर्चे गवर्नमेंट के जो रूटीन बेसिस के हैं, जो रूटीन बेसिस के खर्चे हैं, इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म आइटम्स को इम्पैक्ट नहीं करते। लॉन्ग टर्म आइटम्स का मतलब असेट्स एंड लाइबिलिटीज, किसकी? गवर्नमेंट की। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट इम्पैक्ट असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डे टू डे रिलेटेड खर्चे होते हैं सरकार के। ओके, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के जो रूटीन बेसिस के नहीं हैं, जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म आइटम से रिलेटेड होते हैं, मीन्स जो किसको इम्पैक्ट करेंगे? जो गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करेंगे, वो खर्चे कौन से कहलाते हैं बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब ये तो था बेसिक मीनिंग ऑफ बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर और उनके टाइप्स का। अब हम वन बाय वन करेंगे बेटे पूरा का पूरा बजट रिसीट्स। आज मैं इस लेक्चर में पूरा टॉपिक क्या कवर करूँगी बेटे? बजट रिसीट्स का। ओके, और बजट रिसीट्स दो टाइप्स की होती है, नंबर वन रेवेन्यू रिसीट्स, नंबर टू कैपिटल रिसीट्स। हम इनके प्रॉपर एग्जाम्पल्स या क्या क्या आइटम्स इसमें इंक्लूड होंगी, क्या क्या आइटम इसमें इंक्लूड होंगे, प्रॉपरली स्टडी करेंगे। ओके, यस क्लास, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बजट रिसीट्स। बजट रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट के बजट के अकॉर्डिंग रिसीट्स। और बजट में क्या होता है? एस्टिमेटेड आइटम्स, चाहे वो रिसीट्स हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो। अगर मैं इसके टर्म से ही, इस टर्मलॉजी से इसका मीनिंग डिराइव करूँ, तो बहुत मैं ईजिली कर सकती हूँ। कैसे स्टूडेंट्स? बजट रिसीट्स का मतलब ऑल द फाइनेंशियल रिसीट्स, ऑल द मनी रिसीट्स विच इज एस्टिमेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ फिस्कल ईयर टू कम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। जहाँ जहाँ से, जिन जिन सोर्सेस से गवर्नमेंट को इनकम या रिसीट्स होती हैं, उसका एक अनुमान इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, क्लियर हुआ? फ्रॉम ऑल द सोर्सेज फॉर द फिस्कल ईयर टू कम, आने वाले साल का अनुमानित रिसीट्स का टोटल मनी अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या कहलाता है? बजट रिसीट्स। ठीक है, सो ये कितने तरीके के होते हैं बेटे? टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन रेवेन्यू रिसीट्स, नंबर टू कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिसीट्स, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, हाँ जी क्लास, अब आता है बेटे रेवेन्यू रिसीट्स। मैं बार बार बोल रही हूँ, रिसीट्स वो रिसीट्स जो रेवेन्यू नेचर की हैं। और रेवेन्यू नेचर की क्या होती हैं? जो शॉर्ट टर्म आइटम से रिलेटेड होते हैं, जो रिकरिंग नेचर की होती हैं। रिकरिंग का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के पास बेटे फी,
फाइन्स सब जाता है, ये इनका क्या है, रूटीन बेसिस का है। रूटीन बेसिस का मतलब क्या होता है, रिकरिंग। ठीक है, क्या सरकार के पास जो फीस एंड फाइन्स आते हैं, क्या सरकार की असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस को कोई इम्पैक्ट होता है? सोच कर देखो, सोचो, सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने आपसे चलान काटा और आपने मुझे चलान की पेमेंट करी, इट इज़ अ पेनल्टी। ठीक है, क्या बीइंग सरकार मेरी आपके लिए कोई लायबिलिटी अराइज हुई? सोच के देखो, नहीं। इसका मतलब लायबिलिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। चलो, क्या मैंने आपसे कोई असेट्स खरीदी है पेनल्टी के बदले? नहीं। या मैंने कुछ असेट्स अपनी किसी को बेची है? क्या कोई गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करी है इस पेनल्टी को लेने के लिए? इसका मतलब असेट्स पे भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। इट मीन्स ये डे टू डे रूटीन बेसिस का है। रिसीट्स मतलब दीज आर रेगुलर नेचर आइटम्स, मतलब रिकरिंग नेचर आइटम्स जो रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। इसका मतलब बेटे सिंपल सी बात, लॉन्ग टर्म आइटम्स का इन रिसीट्स पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। अब मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म आइटम्स, मतलब कैपिटल नेचर आइटम्स। लॉन्ग टर्म आइटम्स में क्या क्या आते हैं? असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, किसकी? गवर्नमेंट की। इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग हो गया रेवेन्यू रिसीट्स का, वो रिसीट्स जिनसे जिनका गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटीज स्टेटस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्लियर हुआ बेटे? वो रिसीट्स क्या कहलाती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। अब एक बात बताओ, मेरे पास पैसा आ रहा है, अगर मैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज के वजह से सोचूं तो क्या होगा? मेरे गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, अभी ये भूल जाओ कि मैं क्या करा रही हूँ। सिंपल सी बात है, मैं आपका ध्यान एक कॉमन सेंस के ऊपर लेकर आना चाहती हूँ, तो सोच के बताइए प्लीज़। एक बार सोचिए ध्यान से, अपनी कॉमन सेंस के वजह से मुझे आंसर कीजिएगा। सी, ये रेवेन्यू नेचर है, मैंने अभी नहीं पढ़ा रही, मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ बेटे। सपोज मेरे को इन दोनों साइड्स पर इम्पैक्ट दिखाना है, वन इज असेट्स, अनदर वन इज लाइबिलिटी। मैं क्लेमेंट पर्सन हूँ, मेरी असेट्स, मेरे को कुछ पैसा मिल रहा है, पैसा आएगा, अगर मैं इनके कंटेक्स्ट में देखूँ, या तो वो असेट्स को बेच कर आएगा, इसका मतलब असेट्स कम होंगी, बिकेंगी, पैसा आएगा, क्योंकि रिसीट्स पढ़ रही हूँ मैं, सिर्फ असेट्स एंड लाइबिलिटी के कंटेक्स्ट में ये बात कर रही हूँ ये एग्जाम्पल की। ठीक है, या मैंने किसी से उधार लिया होगा तो पैसा आ रहा है, तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। एग्री? अभी मैं वैसी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म से रिलेटेड रिसीट्स की बात कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म से रिलेटेड रिसीट्स जो होंगी वो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट करेगी करेगी। अगर लॉन्ग टर्म से असेट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट करने वाली रिसीट्स होंगी, तो वो असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे कैसे इम्पैक्ट करेगी? अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि मैंने उधार लिया होगा तो पैसा आएगा, इट मीन्स लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। या मैंने कुछ बेचा होगा, मेरी असेट्स बेची होंगी, जिससे मेरे पास पैसा आएगा, इट मीन्स अगर मैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज के वजह से इम्पैक्ट देखूं, वो रिसीट्स जो असेट्स को कम करती हैं और लाइबिलिटीज को बढ़ाती हैं सरकार की, असेट्स एंड लाइबिलिटीज इम्पैक्ट हो रही है ना रिसीट से, तो ये कौन सी रिसीट्स हैं बेटे? कैपिटल। कौन सी रिसीट्स हैं बेटे? कैपिटल। और जो नहीं करेगा इनको, वो कौन सी रिसीट्स हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। एग्री? समझ आया आपको? जो गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करती, वो रिसीट्स गवर्नमेंट की कौन सी रिसीट्स हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। और जो रिसीट्स गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, वो कौन सी रिसीट्स हैं? कैपिटल रिसीट्स। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, गवर्नमेंट की सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो, सपोज मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करती हूँ,
सपोज मैंने साल में 50,000 का टैक्स गवर्नमेंट को पे करा, ठीक है, क्या 50,000 का कोई गुड्स, कोई सर्विसेज क्या गवर्नमेंट मुझे देगी वापस? नहीं, पर्टिकुलरली नहीं। अब मैंने जो भी इनकम टैक्स का पेमेंट करा सरकार को, क्या सरकार की कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी मेरे लिए कोई अराइज होती है? नहीं ना, सरकार की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती अगर मैं टैक्स पे कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टैक्स क्या है, कंपल्सरी यूनिलेटरल पेमेंट्स बाय द इंडिविजुअल्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा टू द गवर्नमेंट। यूनिलेटरल है, वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली सरकार की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती। टैक्स में यही हो रहा है बेटे, मैं सरकार को टैक्स पे कर रही हूँ तो सरकार की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती इस टैक्स के बदले, ठीक है, तो लायबिलिटी साइड इंपैक्ट नहीं हो रही। अब सरकार को टैक्स की रिसीट्स जा रही हैं, क्या सरकार की कोई असेट्स बन रही है? ये तो उसकी रेगुलर इनकम है, ये तो इसकी रेगुलर रेवेन्यू है, डे टू डे रेवेन्यू है। इसका मतलब सरकार की असेट्स कम नहीं हो रही, सरकार कुछ बेच नहीं रही, सरकार कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। क्लियर हुआ? इट मींस टैक्स की रेवेन्यू जो आती है सरकार को, जो टैक्स की रिसीट्स आ रही है सरकार को, उससे ना तो सरकार की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ना ही सरकार की असेट्स कम हो रही हैं। तो ये कौन सी रिसीट्स हैं बेटे? रेवेन्यू रिसीट्स। ओके क्लास, सो रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे पैसा आएगा अगर असेट्स एंड लाइबिलिटी किसके वजह से सोचू तो? पैसा असेट्स को बेच कर आएगा या बढ़ा कर आएगा? ऑब्वियसली असेट्स को बेच कर आएगा। इसका मतलब असेट्स क्या होंगी? कम है ना, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ना, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू। इट मीन्स यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा, विच डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे नॉट को हटा दूँ तो ये रेवेन्यू नेचर नहीं है, इट इज कैपिटल रिसीट्स। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ बेटे? क्योंकि मैं क्या पढ़ रही हूँ? रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब लाइबिलिटीज के कंटेक्स्ट में सोचो, लॉन्ग टर्म को लेकर गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है उधार लेकर ना, गवर्नमेंट आए दिन वर्ल्ड बैंक से या पब्लिक डेट उठाती रहती है, तो गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है? लाइबिलिटीज। लेकिन टेक द एग्जांपल टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज बढ़ रही है? नहीं ना, क्योंकि ये क्या है? रेवेन्यू नेचर। इट मीन्स विच डू नॉट क्रिएट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अगर ये नोट हटा दूँ तो ये रेवेन्यू के बदले क्या हो जाएगा? कैपिटल। लेकिन मैं रेवेन्यू पढ़ रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? नोट। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात बेटे, मेरे पास पैसा आएगा अगर मैं एसेट एंड लाइबिलिटी के वजह से देखूँ, या तो उधार लेकर या असेट्स को बेच कर। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो ये कौन सा नेचर की रिसीट्स है? रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब बेटे गवर्नमेंट के पास, टेक द एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के पास फीस, फाइंस, बहुत तरीके की चीज़ें जाती हैं, तो ये भी किस में आती है? रेवेन्यू नेचर में। ओके, जिनकी हम एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे। ओके क्लास, यस क्लास, अब आता है बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में मेनली बेटे दो टाइप्स के रिसीट्स आती हैं, वो नंबर वन टैक्स रिसीट्स, नंबर टू नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। अब टैक्स रिसीट्स मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं? वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगी, लेकिन मैं मेनली आपको बताना चाहती हूँ कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस मेनली दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप 11th क्लास में आपने करा है और आपको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लीगली जिस पर्सन, जिस इंस्टीट्यूशन या जिस फर्म के ऊपर इम्पोज होता है उसी को ही पे करना पड़ता है। वो पर्सन, वो इंस्टीट्यूशन उसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। टेक द एग्जांपल, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स,
ठीक है, या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटे? इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल आप लोग पढ़ते हैं, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे कौन से टैक्सेस है बेटे? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पर है, पे कोई और करता है। इट मीन्स लीगली जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज होता है, वो पर्सन उस टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। टेक द एग्जांपल ऑफ GST। ये GST लगता है सेलर के ऊपर, ठीक है, वसूल करा जाता है कस्टमर से, कंज्यूमर से, पे करता है सेलर। इसका मतलब सेलर का बर्डन कंज्यूमर्स पर आया, कंज्यूमर से पैसा वसूल करा टैक्स का, और पे सेलर ने करा, ठीक है क्लास, या प्रोड्यूसर्स ने करा, तो वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके क्लास, अब आता है बेटे नॉन टैक्स रिसीट्स। अभी नॉन टैक्स रिसीट्स क्या है? इसका मतलब टैक्सेस के अलावा रेवेन्यू नेचर की जो रिसीट्स है गवर्नमेंट को, वो कौन कौन सी है? आप लोग देखते हैं फीस, जैसे पासपोर्ट फीस, बर्थ रजिस्ट्रेशन फीस, डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, ये होती है बेटे, तो ये हम पे करते गवर्नमेंट को, ये कोई टैक्स है? नहीं। फाइंस, जैसे पेनल्टी भरना, जैसे चलान कटना, ये सब क्या है बेटे? फाइंस, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे रोड ट्रांसपोर्ट रूल्स जो होते हैं हमारे, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं बेटे, उसमें हमारे चलान कटते हैं, वो क्या है? दैट इज़ नॉट फीस, क्योंकि फीस वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर कर आपसे लेती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? फीस। और फाइंस पेनल्टी हैं, ठीक है, जो आपको पनिश करने के लिए, आपको सुधारने के लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटे SCHEAT। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अरे इस पर्सन के पास बहुत प्रॉपर्टी लेकिन इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो पर्सन अगर अपनी बिना बिल के उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई भी लीगल हायर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस पर्सन का, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? सरकार की। अब सरकार उन प्रॉपर्टी से अर्न करती है, रिसीट्स लेती है, रेवेन्यू लेती है, ठीक है, मे बी ऑक्शन कर कर, ठीक है, तो उस इनकम को क्या बोलते हैं बेटे? SCHEAT। इसका मतलब द इनकम अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज लेफ्ट बाय अ पर्सन विदाउट अ लीगल हायर, या विदाउट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो उस इनकम को, सी उस प्रॉपर्टी को नहीं, उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को गवर्नमेंट क्या कहती है? SCHEAT, ठीक है क्लास। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जैसे MTNL, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, जैसे इंडियन रेलवेज, इन सब से जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट या अर्न होती है, इनकम होती है, वो क्या है बेटे? इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये टैक्स के अलावा है, सो इट कम्स अंडर नॉन टैक्स रिसीट्स। अब एक बार बताओ बेटे, क्या प्रॉफिट से गवर्नमेंट की असेट्स रिड्यूस हो रही हैं? नहीं। क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं? नहीं। तो कौन से नेचर की रिसीट्स हैं बेटे? रेवेन्यू रिसीट्स, लेकिन ये टैक्स के अलावा है, सो इट कम्स अंडर नॉन टैक्स रिसीट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटे ग्रांट्स एंड डोनेशन। जैसे COVID-19 के लिए एक फंड बनाया गया था, PM केयर फंड, जिसमें हम सब ने डोनेट करा, ठीक है, तो वो क्या थी? डोनेशन, ग्रांट्स। जैसे नेचुरल क्लामिटीज से निपटने के लिए गवर्नमेंट आपसे हेल्प चाहती है, तो जो भी ग्रांट्स और डोनेशन गवर्नमेंट को मिलती है, वो कौन से नेचर की होती है बेटे? रेवेन्यू नेचर की, और वो टैक्स नहीं होता, डैट इज नॉन टैक्स रिसीट्स। ओके, नेक्स्ट कम स्पेशल असेसमेंट।
अब व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल असेसमेंट? स्पेशल असेसमेंट चार्जेस होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, मेरी एक रोड के साइड में प्रॉपर्टी है, एक लैंड है बहुत बड़ी. वो रोड बहुत ही छोटी रोड थी. गवर्नमेंट ने उस रोड को ब्रॉड करने का प्रोजेक्ट बनाया. यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रोड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. लेकिन क्या मेरी प्रॉपर्टी को उस रोड के चौड़ा होने से, उस रोड के डेवलप होने से बेनिफिट नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा. इट मीन्स मेरी प्रॉपर्टी के रेट्स हाई जाएंगे. लेकिन क्या वो चीज़ मैंने करी? नहीं. वो डेवलपमेंट किसने करवाई? सरकार ने. सो गवर्नमेंट उस डेवलपमेंट चार्जेस का कुछ पार्ट आपसे लेती है, ठीक है. सो उस चार्जेस को क्या बोलते हैं बेटे? स्पेशल असेसमेंट चार्जेस. तो गवर्नमेंट की कौन सी रिसीट्स हुई? टैक्स के अलावा है बेटे. सो इट कम्स अंडर नॉन टैक्स रिसीट्स. दिस आर ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट चार्जेस बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पर्सन्स टू हूम द बेनिफिट्स आर गोइंग ऑन, ठीक है. नेक्स्ट आता है बेटे लास्ट, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ 2G एंड 3G स्पेक्ट्रम. आप लोग देखते होंगे टेली कम्युनिकेशन में, मेनली इंटरनेट में बैंड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं. जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है. जितनी बैंड बढ़ती जाती है, कम बैंड को 2G, हाई बैंड को 3G, उससे हायर को 4G, जैसे आप देखते होंगे अब 5G भी आ चुका है, जिससे काम और क्विकली और एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली होता है. अब बेटे बेटे इनसे ना गवर्नमेंट जब ये सेल करती है, सेल का मतलब ये थोड़ी ना कि सैटेलाइट ही दे दिया. नो, सेल ऑफ 2G एंड 3G स्पेक्ट्रम का मतलब है गवर्नमेंट ने प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है या वट एवर द पर्सन, उसको एक राइट दिया है लाइसेंसिंग फीस लेकर. क्या लेकर? लाइसेंसिंग फीस लेकर राइट दिया है. राइट किस चीज़ का? ऑफ ट्रांसमिटिंग द सिग्नल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के थ्रू. क्लियर हुआ बेटे? तो ये लाइसेंसिंग फी हुई. तो लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ 2G एंड 3G स्पेक्ट्रम. ये किसकी फॉर्म में आती है? लाइसेंसिंग फीस की फॉर्म में आती है. सो इट कम्स अंडर नॉन टैक्स रिसीट्स. ओके क्लास, तो ये कौन सी रिसीट्स हुई बेटे? रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है. अब हम करेंगे बेटे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसीट्स. अगर किसी बच्चे को रेवेन्यू रिसीट्स आ गई हैं तो वो कैपिटल रिसीट्स बहुत ईजिली कर सकता है. जहाँ पर हमने डू नोट करा था वहाँ पर हम क्या कर देंगे? विच डू, ठीक है. क्योंकि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करती हैं. ओके हाँ जी क्लास, अब आता है कैपिटल रिसीट्स. देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब वो रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन मनी, जो गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करती, वो रेवेन्यू रिसीट्स हुई. और जो करती है रिसीट्स वो कौन सी रिसीट्स हुई? कैपिटल रिसीट्स. इट मीन्स द रिसीट्स विच इम्पैक्ट द असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स. लेकिन बेटे और ज़्यादा हमें डिस्क्राइब करना होगा इसका मतलब. अगर मैं असेट्स और लाइबिलिटी के स्टेट कंटेक्स्ट में कोई रिसीट्स की बात करूं, तो वो रिसीट्स आपको असेट्स के कंटेक्स्ट में कब आएंगी? सोच के बताओ कब आएंगी बेटे? सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सी, अगर मुझे असेट्स एंड लाइबिलिटीज के कंटेक्स्ट में अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, वो रिसीट्स असेट्स, अगर कुछ रिसीव होगा असेट्स के कंटेक्स्ट में कैसा प्रभाव पड़ेगा? आप खुद सोचिए. असेट्स कम होंगी, इट मींस यू आर सेलिंग दैम, तभी आपको रिसीट्स होंगी, क्योंकि मैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ. ओके,
इट मीन्स गवर्नमेंट की असेट्स रिड्यूस होंगी। अगर ये हो के कुछ रिसीट्स मिल रही हैं, कुछ रेवेन्यू हो रही है गवर्नमेंट को या कुछ इनकम हो रही है गवर्नमेंट को, डैट इज ऑफ कैपिटल नेचर, इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। ओके, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट किसी पब्लिक कॉरपोरेशन का, जैसे एयर इंडिया का बीच में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, बायर्स को बोला था कि वेलकम करा था कि आओ एयर इंडिया को खरीद लो, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, करना चाह रही है डिसइन्वेस्टमेंट। अगर वो कर देती है जो उसको पैसा मिलेगा डैट इज रिसीट्स, और रिसीट्स कब मिल रही है, जब उसकी असेट्स कम हो रही है। इट मीन्स असेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट का, तो ये कौन सी रिसीट्स हैं बेटे, कैपिटल रिसीट्स। या गवर्नमेंट को कुछ रिसीट मिल रही हैं, उसकी लाइबिलिटीज कम होंगी या ज़्यादा होंगी, सोच के देखो लाइबिलिटीज के कंटेक्स्ट में, ऑब्वियसली लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। ठीक है, टेक द एग्जाम्पल, हमारी गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक, IMF या पब्लिक से या RBI से बोरो करती रहती है, तो गवर्नमेंट की क्या बढ़ती है, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब लाइबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा तो आ रहा है, तो दीज आर रिसीट्स, लेकिन ये रिसीट्स गवर्नमेंट का क्या बढ़ा रही हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इम्पैक्ट हो रही हैं, तो कौन से नेचर की रिसीट्स हैं बेटे, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, असेट्स बढ़ जाएं, असेट्स कम हो जाएं या लाइबिलिटीज बढ़ जाएं, ऐसी वाली रिसीट्स को हम क्या बोलते हैं बेटे, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है,